नमस्ते साथियों, ज्ञान विकास चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस वीडियो में कवित्री अनामिका द्वारा रचित कविता बेजगह की पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो पठन पाठन में अवश्य सहायक होगी। साथ ही छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कविता है बेवजह कवित्री अनामिका। आपका जन्म हुआ सन 1963 में मुजफ्फरपुर जिले में। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था तथा लेखन के कारण छात्र जीवन से ही आपको प्रसिद्धि मिल चुकी थी। आपकी कविताओं में वात्सल्य और मित्रता को केंद्र बनाया। समाज में स्त्री की स्थिति से आपने परिचय कराया है। स्थिति परिस्थिति के सत्य को ईमानदारी पूर्वक व्यक्त करने का सच्चा प्रयास कवित्री ने किया है। आपकी रचनाएं हैं गलत पति की चिट्ठी, अनुष्टुप, कहती है औरतें, कविता में औरत, दस द्वारे का पिंजरा, खुरदुरी, हथेलियां आदि। इसके अतिरिक्त आपने बाल साहित्य तथा अनुवाद कार्य भी किए हैं। अब हम कविता के सारांश की ओर बढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने समाज में स्त्री की वास्तविकता का परिचय दिया है। आसपास की दैनिक घटनाओं से लेकर मन के अथाह सागर तक की कहानियां इस कविता में प्रकट की गई हैं। इस कविता में शिक्षा व्यवस्था के आरंभिक पाठों पर व्यंग किया गया है। स्त्री का संघर्ष इतना गहरा है कि कोई तीखी नजर रखने वाला व्यक्ति ही समझ पाएगा। कितना भी कठिन समय हो, गृहस्थ विवेक खत्म नहीं होता। रुदन कितना भी क्रूर क्यों न हो, परंतु परिवार का सुख औरत की प्राथमिकता है। वह कहती है कि लड़की का बेजगह होना उन्हें बालपन से ही समझा दिया जाता है, और जिस प्रकार कंघी में फंसे टूटे बालों को और बढ़े हुए नाखूनों को काट कर फेंक दिया जाता है, मेरा भी वही स्थान है, मेरी भी वही हालत है। हमारी शिक्षा के शुरुआती समय में ही सिखा दिया जाता है, और बचपन में सीखी समझाई बातें गलत है या ध्यान ही नहीं जाता, उसे दिमाग स्वीकार कर चुका होता है। और यह भेदभाव घर परिवार से शुरू होता है। हम उम्र भाई को राजकुमार और बहन उसकी चाकरी करेगी, यह सिखाया जाता है। लड़कियों को यह सिखा दिया जाता है कि वे अस्तित्वहीन होती हैं, और उन्हें स्वयं को हवा, धूप और मिट्टी की तरह समझना है कि जब जैसे इस्तेमाल हो जाए और जो चाहे उस रूप में उन्हें प्रयोग करें या न करें। ऐसी सोच रखना यह सामाजिक विडंबना है। बचपन से ही यह शिक्षा देकर उन्हें इस तरह का जीवन आत्मसात करा दिया जाता है। और जो स्त्री स्वयं बड़ी मुश्किलों से स्वयं को अलग कर पाई है, उसकी इच्छा भी बहुत छोटी किंतु बहुत पावन है। वह चाहती है कि किसी बड़े क्लासिक के पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी हुई छोटी सी पंक्ति हूं मैं, जिसे हल करना भी अनिवार्य नहीं है। फिर भी कोई हल करना चाहता है तो मेरी सप्रसंग व्याख्या करे तो मुझे खुशी होगी। यह बताना चाहती है कि संदर्भ में सारी मुश्किलों का उल्लेख हो, जिससे लड़कर वह आगे पहुंची है। मुझे उसी तरह पढ़ा जाए, समझा जाए, जैसा पावन भक्ति भावना से संत तुकाराम के अभंग पढ़े जाते हैं। इस प्रकार सारांश पूरा होता है। इन पद कविता की विशेषता है, कवित्री ने बड़े ही सुंदरता पूर्वक मार्मिक तरीके से बेजगह होने की यात्रा को प्रस्तुत किया है। अत्यंत ही मार्मिक दृश्य उपस्थित करती है यह कविता कि बाल्यकाल से ही अप्रत्यक्ष रूप से कहीं शिक्षकों के माध्यम से तो कहीं अभिभावकों द्वारा समझा दिया जाता है कि कन्याएं उसी तरह बेकार है जैसे बढ़े हुए नाखून काट कर फेंक दिए जाते हैं और कंघी के टूटे हुए बाल फेंक दिए जाते हैं तथा औरत किसी काम की नहीं होती। यह संस्कृत शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और इसे सुनकर समझकर सारी लड़कियां डर जाती हैं। वहीं घर पर उन्हें हवा, धूप और मिट्टी कहा जाता है कि वे जरूरी तो बहुत हैं, केवल जरूरत के मुताबिक। अंत में कठिनाइयों से जूझकर आगे आई कन्या चाहती है कि अगर कोई मुझे चाहे तो सप्रसंग व्याख्या कर ले, और संदर्भ में सारी मुश्किलों को गिनकर मुझ तुच्छ प्रश्नों को हल करे। आखिर में कहती है कि मुझे संत तुकाराम के अभंग की तरह पावन भावना
समझा और पढ़ा जाए, क्योंकि मैं मुश्किलों की आग में तपकर आई हूँ। इस प्रकार कविता में सारांश और विशेषता पूर्ण होती है। अब हम सामग्री के अगले भाग में पहुँचते हैं, एक अंकीय प्रश्नमाला। यहाँ पर निर्देशानुसार छात्रों आपको एक शब्द या वाक्यांश में ही उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न है, कौन कौन अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते। उत्तर है, केश, औरतें और नाखून। केवल इसी तरह वाक्यांश लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत टीचर किसका अन्वय करते हैं। उत्तर में केवल एक शब्द लिखेंगे, आप श्लोक। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ कविता पर आधारित प्रश्नमाला और उत्तर तैयार किए गए हैं। अब हम संदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखने के लिए आप कविता की पंक्तियों को पूरा न उतारें, केवल संकेत रूप में लिखें, जैसा यहाँ पर दिया गया है। प्रसंग है, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य गुलशन की कविता बेजगह से लिया गया है, जिसकी कवित्री अनामिका है। कवि परिचय पुट पर देंगे। संदर्भ है, इन पंक्तियों में लड़कियों को बचपन से सिखा समझा दिया जाता है कि वे अस्तित्वहीन हैं, तुच्छ हैं, उन्हें फेंकना पड़े तो भी उसके लिए किसी को कोई लगाव की भावना नहीं है उनके लिए। व्याख्या है, पंक्तियों में कहा गया है कि लड़कियों को बालपन से ही समझा दिया जाता है कि जो अपनी जगह से गिर जाते हैं तो वे कहीं के नहीं रहते। जैसे बाल अगर टूट जाता है या नाखून काट दिए जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। नाखून भी जब उंगलियों से काट दिए जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। उसी प्रकार औरतों का भी अस्तित्व होता है। और यह संस्कृत शिक्षक द्वारा किसी श्लोक की व्याख्या करके समझाया गया हमें। यह सुनकर हम लड़कियां डर कर सहम जाती थी अपनी अपनी जगह पर। विशेषता है, इन पदों पंक्तियों में समाज का कुरूप दिखाया गया है कि संस्कृत शिक्षक द्वारा श्लोक के माध्यम से लड़कियों के अस्तित्वहीन होने की बात कही जा रही है और बाल्यकाल से ही दिल दिमाग में इन विचारों को स्थापित कर दिया गया है कि बताए हुए स्थान पर ही सदा रहना चाहिए। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत आप देख रहे हैं। संदर्भ है, कवित्री कहती हैं कि पहली कक्षा की छोटी बालिका थी, तभी से स्कूलों में पाठ के द्वारा ही हमें बताया जा चुका था कि लड़कियों की जगह क्या होती है। इस पद की व्याख्या है, जगह पहली कक्षा से ही सिखाया जाता है कि लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती। जब पहली कक्षा में अक्षर ज्ञान कराया जाता है तभी सिखा दिया जाता है कि राम लड़का पाठशाला जाएगा, मिठाई खाएगा, नया घर पाएगा, व्यक्तिगत कमरा मिलेगा और राधा एक लड़की खाना पकाएगी, सफाई करेगी, बिस्तर लगाएगी और कमरा नहीं मिलेगा क्योंकि तू तो मिट्टी, हवा और धूप है, इसके लिए कोई घर नहीं होते। पागल, अपने आप को भैया जैसा ना समझ। विशेषता है, लड़की को हवा, धूप और मिट्टी कहा गया है कि यह तीनों भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं, किंतु मनुष्य उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार लेता है। और लड़कियां भी घर, समाज और परिवार का अनिवार्य अंग हैं, किंतु जरूरत के मुताबिक समाज के बदरंग रूप को उजागर किया है। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया है। यहाँ संदर्भ आप देखेंगे, कवित्री ने समाज और लोगों की दकियानुसी मानसिकता का परिचय दिया है, जो औरतों को समाज का अनावश्यक अंग समझते हैं और उसके व्यक्तित्व को नकारते रहते हैं। इस पद की व्याख्या है, कवित्री कहती हैं कि समाज में औरतों के लिए कोई स्थायी घर नहीं होता और जिनके घर नहीं होते उनके लिए जगह का प्रश्न ही कहाँ उठता है। औरतें तो बेवजह होती हैं, बेजगह होती हैं, या जो छूट जाती हैं बेकार हो जाती है, उन्हें औरत कहा जा सकता है। उंगलियों पर बढ़े हुए नाखून काटकर फेंक दिए जाते हैं, कंघी में टूटे फंसे बालों को, बाल जिन्हें साफ करके कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है, इसके जैसी औरतों का की जगह है। जब औरतें बुहार दी जाती हैं तो उनके घर, दर तथा अपने पराए लोग भी छूट जाते हैं। कुछ प्रश्नों को अपनों से पूछने थे वो भी छूट जाते हैं। सारी जगहें जिनसे कहीं लगाव सा हो गया था वे भी छूट जाते हैं, लेकिन कभी यह एहसास नहीं हुआ कि नेल कटर में नाखून फंस गया और गलती से बाल कंघी में ही छूट गए। ऐसा एहसास कभी नहीं हो पाया, अर्थात अपनों ने भी हमें तुरंत ही झटक कर निकाल दिया। कभी किसी ने रोकने का प्रयास ही नहीं किया।
हमें कभी अपना समझने का एहसास ही नहीं होने दिया। इस पद की विशेषता है नेल कटर या कंघियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं होने दिया, अर्थात परिवारजन ने नाखून और कटे बालों के अतिरिक्त हमें मानव होने का एहसास नहीं समझा और एहसास नहीं होने दिया, और ना ही कभी गलती से भी हमें नेल कटर या कंघियों में फंसे रहने दिया। छूट जाने पर औरत हो जाती है, पंक्ति बहुत मार्मिक है। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप में दिया गया है। उसका संदर्भ इस प्रकार है, समाज, घर, परिवार ने औरतों के अस्तित्व को अपमानित किया, किंतु हर व्यक्ति की इच्छा होती है और औरत की भी इच्छा होती है, यह वह यहाँ व्यक्त किया गया है। व्याख्या है, औरतों को बुहार कर फेंक देने की परंपरा से छूटकर मुझे तो यह लगता है कि मैं किसी बड़े क्लासिक पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर लिखी हुई पंक्ति बन जाऊं। मैं चाहती हूं कि कोई मुझे पढ़े, फिर भी अगर कोई पढ़े पढ़े तो मेरी सप्रसंग व्याख्या करे, अर्थात मेरे दुख दर्द को समझे, समझने की कोशिश करे और संदर्भ में मेरी यहाँ तक की यात्रा की मुश्किलों का उल्लेख करें और व्याख्या में मुझे संत तुकाराम के अभंग की तरह पावन भावना से पढ़ें। विशेषता है, यहाँ कवि निकृष्ट, अनावश्यक, बेजगह मानी जाने वाली औरत की कोमल भावना की तुलना संत तुकाराम के अभंग से करते हैं। उसे कितना ही अपमान सहना पड़ा हो, किंतु उसकी भावनाएं अत्यंत पावन है। अभंग एक भक्ति गीत है जिसे भगवान की स्तुति करने के लिए गाया जाता है। हिंदू भगवान विठ्ठल की स्तुति करते हैं। अभंग का अर्थ है जो खंडित ना हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अगला प्रश्न आता है आपके लिए, बेजगह कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके लिए छात्रों यहाँ प्रारूप दिया गया है जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले, और साथ ही जब भी नई वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना मिलती रहे। और आप अगर कोई अपने अमूल्य सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। यहाँ बेजगह पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम टिप्पणी का परिचय देंगे, वह इस प्रकार है, उपरोक्त शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य गुलशन से लिया गया है, इसकी कवित्री अनामिका है। अब हम इसके ऊपर टिप्पणी लिखेंगे। बेजग कविता में कवित्री ने सामाजिक बुराई की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें औरत की हाल अत्यंत शोचनीय है, उन्हें मनुष्य नहीं माना गया है और औरतों को उतना ही निर्जीव माना है जितना नाखून और सिर के और टूटे हुए बालों को माना जाता है, निर्जीव होते हैं। वैसे ही औरत भी अपनी इच्छाएं रखने का अधिकार नहीं रखती, यह माना गया है।